और सबसे पहले अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में उठी जातीय जनगणना की मांग। जेडीयू ने उठाई है जातीय जनगणना की मांग। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू ने एक बड़ा बयान दिया कि देश में जातीय जनगणना होगी तो अच्छा रहेगा। ये बातें संजय झा की तरफ से कही गई हैं। तो जातीय जनगणना को लेकर आप देखिए, एनडीए के अंदर से भी आवाज आनी अब शुरू हो चुकी है। तो जेडीयू का पक्ष रखा गया एनडीए में और ये कहा गया कि देश में जातीय जनगणना होगी तो अच्छा रहेगा। ये संजय झा का बयान है। तो आपको पता है जातिगत जनगणना की मांग लगातार की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और अब एनडीए के अंदर से भी इस पर आवाज सुनाई पड़ने लगी है। बिहार में तो महागठबंधन सरकार ने सीएम नीतीश जातीय गणना कराए, अपने खर्च पर बिहार सरकार कराई, आरक्षण का दायरा बढ़ा। उसके बाद से मांग उठ रही थी जेडीयू की तरफ से भी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार जातीय गणना कराए, तो जानकारी आ रही है कि इसको भी जल्द कराया जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी सब पार्टी को लेके किए, महागठबंधन से पहले किए, जब हम लोग किए उस समय बीजेपी भी साथ थी, जब कैबिनेट में तय हुआ। और देश में अकेला प्रदेश बिहार है जो जातीय गणना कराया, इसका रिपोर्ट पब्लिश किया, और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। और हम लोगों की जरूर इच्छा है कि अगर पूरे देश भर में जातीय जनगणना होती है तो ये अच्छी बात है। तो देश में जाति जनगणना होगी तो अच्छा रहेगा, ये बयान जेडीयू की तरफ से दिया गया। संजय झा को आपने सुना, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और उनका यह कहना जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण है। तो अब तक विपक्ष के कई पार्टियों की तरफ से यह बात कही जा रही थी, अब एनडीए के अंदर से अगर यह आवाज आने लगी है, इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। मेरे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, कैसे देखा जाए इस खबर को, इसका क्या मतलब निकाला जाए अगर अब जेडीयू यह बात कह रही है? देखिए, जाति जनगणना एक बहुत बड़ा विषय है। कई लोकसभा चुनाव से पहले भी जाति जनगणना पर लंबे समय चर्चा हुई, और इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि जेडीयू की सरकार जो बिहार में है उसने जाति जनगणना कंप्लीट भी कराया। तो यही संजय झा का साफ कहना है कि जाति जनगणना बिहार में तो हो ही चुकी है, अगर देश के अन्य हिस्सों में हो जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन फिलहाल भारत सरकार जनगणना कराने के पक्ष में है, लेकिन अभी तक जाति जनगणना पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आने वाले समय पर जाति जनगणना पर अगर कोई फैसला होता है तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से जाति जनगणना का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ऑफिशियली, और ना ही अभी तक किसी और राज्य में जाति जनगणना कराई गई है। तो इसको इस तरह से ही लेना चाहिए कि अभी फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति गर्म है, विपक्ष के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, अब तो एनडीए की तरफ से सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं, या ये कहें कि बातें सामने आई हैं। देखा जाएगा आने वाले समय में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। जी अखिलेश, चलिए नजर बनाकर रखिए नीरज इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।